Look at this. Go. इसको उठाना पड़ेगा चल। तो अभी थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे 10 मिनट। से हाय। मेन इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है ऑफलाइन मैप। तो मैप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। खाने के लिए चाहिए क्या तुमको, अभी बोल दो। सो अभी हम निकलते यहाँ से, तो ट्रिप 1 को 0 कर देते हैं। ओम नमः शिवाय गणपति बप्पा मोरिया ओम हनुमते नमः। हेलो एवरीवन, दिस इज रण विजय, वेलकम टू माय यूनिवर्स एंड एंजॉय दिस न्यू व्लॉग। ये जो है वो सह्याद्री का एरिया है, पश्चिम सह्याद्री। ये देखो सामने नदी है और ये गनबावड़ा का एरिया स्टार्ट हो चुका है। सावन को अभी हमने पीछे छोड़ दिया, तो यहाँ से अभी शुरू होता है घाट का रास्ता। इस रोड पर बहुत बार आ चुका हूँ बट उत्तू पहली बार आई है। उत्तू पकड़ के बैठना बस, ओके। उत्तू को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उत्तू को हर महीने में एक ट्रिप पे ले जाऊंगा। इस रोड पे मैं 2014-15 में आता था, अकेला आता था और रात को कभी कभी मुझे 10 भी बजते थे जाने के लिए अंधेरे में। और यहाँ पे ये जंगल का एरिया है और यहाँ पे गवाह दिखता है कभी कभी। तो आपको अगर इस रोड पे आना है तो आपको पेट्रोल और खाने के लिए लेना पड़ेगा। खाना तो आपको मिल जाएगा लेकिन आगे जाके आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि आप कोल्हापुर से ही अपनी टैंक फुल करके आ जाओ कि मिलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक के लिए पेट्रोल पंप नहीं है। उत्तू को डर लग रहा है कि जैसे मैं कॉर्नर लेता हूँ ना तो थोड़ी बाइक ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। क्या हो रहा है, पकड़ के बैठो ना मुझे। नहीं नहीं मैं धीरे चला रहा हूँ, इतना अभी 40 की स्पीड है। अब क्या 10 की स्पीड से चलाऊँ क्या। ये देखो रोड कितना चमक रहा है। सूर्यदेव नमस्कार। अभी बजे है 11:30 और ये देखो यहाँ से बहुत टाइम तक वेट करते रहते हैं। यहाँ पे बसेस भी नहीं है ज़्यादा, ना ही इधर कुछ जाने के लिए व्यवस्था है अच्छी। मिल जाएगा लेकिन 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा फिर। पुढ़े अपघाती वहन आहे वाहने सावकाश चालवा। अच्छे से बाइक चलाओ, धीरे से चलाओ और रिलैक्स चलाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है ज़िंदगी में, आपसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले मैं जो बोलता था ना कि ट्रिप पे जाना है, तो यही वो डेस्टिनेशन है गगनबावड़ा। इस पर हम आने वाले थे उत्तूर में लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था, तो फाइनली हम आ चुके हैं एंड काफ़ी सही लग रहा है बहुत दिनों बाद। अभी ईयर ख़त्म होने वाला है, 2023 स्टार्ट हो जाएगा और लाइफ में काम तो हमेशा होते ही रहते हैं, तो एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। और एक बार कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका मन करे आप जाके घूम के आइए बस। बीच बीच में आपको ऐसा ख़राब रोड भी मिलेगा। एक प्रॉब्लम ऐसा हो चुका है कि मैं जब फर्स्ट स्टॉप पे रुका था तो मुझे पेट्रोल ऐड करना था, लेकिन मैं जल्दी में वहाँ से निकल गया और पेट्रोल ऐड करना मैं भूल गया। तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा है, तो मैं ज़्यादा बाइक तेज़ नहीं भगाऊंगा, नॉर्मल जितना अच्छा एवरेज मिले मुझे तो 40-50 की स्पीड से मैं जाता हूँ एवरेज अच्छा निकालने के लिए। और जहाँ पे भी पेट्रोल पंप दिख जाए मैं अभी ऐड कर लेता हूँ नॉर्मल, मैं सिटी में पहुँचने के लिए। इसमें अभी है 2 लीटर है लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। तो इस रोड पर एक वाड़ा है तो वाड़ा देखने के लिए जा रहे हैं और ऐसे रोड से अंदर जाना पड़ेगा। पूरा जंगल का एरिया है, पंत अमात्य बावड़ेकर वाड़ा। ओ भाई साहब, अभी थोड़ा लग रहा है कितना भी महसूस अच्छा हो रहा है, मैं क्या बताऊं। तो मेरे बाल कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं देखो। और फिलहाल तो ये देखिए हम यहाँ पे आधी डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए हैं। तुम्हारा लुक दिखाओ। ओ हो वाह,
अभी हम यहाँ पे उदयस का वाड़ा देखेंगे। एक को ऐसे में धूप में नहीं खड़ा कर सकता, तो इधर पैन मैंने लगा दी छाव में। तो यहाँ पे टिकट है 30 रुपीज, तो यहाँ पे आ रहे वो वो चले लगे। शूटिंग अलाउड नहीं है तो ज्यादा आपको मैं नहीं दिखा सकता। लुक एट दिस वाड़ा, कितना ब्यूटीफुल है। और पता चल रहा है देख के हो गया। और उत्तू ने और मैंने अच्छे से देख लिया, काफी अच्छा अंदर है, पूरा रॉयल फैमिली की तरह सब कुछ ए टू जेड अंदर अच्छे से रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वीडियो शूटिंग को अलाउ नहीं है। उत्तू बता कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें इस यही लोकेशन, इसमें मराठी की बहुत सारी फिल्में शूट हुई है, वहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। गेट ओपन कर दे। हाँ, आजा आजा आजा। ओहो ओहो, ये लड़की यहाँ पे बैठ गई, क्या हुआ? इसको उठाना पड़ रहा है, चल चल। कुत्तू चालाक। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं हम दूसरी डेस्टिनेशन पे। अभी गगनबाड़ा फोर्ट पे जाएंगे हम। उस वाड़ा में काफी सही वाइब आ रही थी, पूरी रॉयल फैमिली की। कुत्तू यहाँ पे टाइगर आ सकता है। अभी दोपहर का टाइम है एंड धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी बजे है 1:15। अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप अभी भी नहीं मिला और यहाँ पे एक पॉइंट दिखा रहा है अपने डिवाइन में, लेकिन मुझे डिवाइन पे इतना भरोसा है कि ये बाइक जाके आ सकती है, आई थिंक सो, और आ ही जाएगी। दिखाऊँगा मैं आपको क्या होता है। और मुझे काफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया था एंड मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं घूमता हूँ एंड मैं व्लॉग बनाता हूँ। मुझे व्लॉगिंग भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैं बहुत सारे काम भी करता हूँ लेकिन व्लॉगिंग को मैं बंद नहीं कर सकता, व्लॉगिंग तो अपनी जान है। व्लॉग्स पे आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की मोमेंट्स कैप्चर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ज़िंदगी का मज़ा भी उठाते हैं, तो सब कुछ रिकॉर्ड करके मैं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ब्लॉगर बनाऊँ। और बहुत सारे रीजन्स है, मैं आपको कभी ना कभी बताऊँगा आगे फ्यूचर में। वन डे ट्रिप के लिए बेस्ट जगह है इधर घूमने के लिए, पूरा गगनबाड़ा में बहुत सारे 4-5 प्लेसेस है। ये रोड ट्रिप के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये देखो यहाँ पे अभी ना मुझे ठंडी लग रही है थोड़ी हाथ को। गगनबावड़ा पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ से भी फिलहाल 4 किलोमीटर पे गगनबावड़ा फोर्ट है। मैं गगनबावड़ा पहली बार आया हूँ तो देखते हैं गगनबावड़ा कैसा है। तो यहाँ से राइट लेना है, तो ये आ गया इसकी कमान, किले गगनगढ़। तो कैसा लग रहा है? ये देखो सामने फोर्ट, और ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा खाई है। मैं पहले क्यों नहीं आया यार। अभी आधा फोर्ट चढ़ा हुआ है और आधा बाकी। वाह वाह, अमेजिंग लोकेशन। और अभी भी बहुत ऊपर जाना, और यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है तो आप आके इन्जॉय कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पे कोई नहीं होता है, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा इधर। इनके सहारे एक फोर्ट चढ़ना। ओ हो, व्हाट अ लुक, पूरी लुक एट दिस। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और ये दूसरा पार्ट इसका मैं बनाता हूँ, तो वो पार्ट अभी देखिए। ये पार्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग पार्ट 2 में।